नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़कार अशरफ ने कहा है कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को देखकर मुस्तकबिल में मुश्किल और बड़े फैसले करेंगे, जबकि बगैर परफॉर्मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक नहीं चलेगा। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं भारत कैसे जा सकता हूँ, हमारे शायकीन क्रिकेट और साफी भारतीय वीज़े का इंतजार कर रहे हैं। ज़कार अशरफ का कहना था कि उम्मीद है कि भारतीय सरजमीन पर बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन PCB ने मजीद कहा है कि एशिया कप में कौमी टीम के परफॉर्मेंस का रिव्यू किया, टीम में तब्दीली नहीं की क्योंकि कप्तान बाबर आजम नहीं चाहते थे। ज़कार अशरफ ने वर्ल्ड कप के हवाले से इस ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि भारत में टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे, बस इतना ही चाहता हूँ। इसी बात को मद्देनजर रखकर कप्तान बाबर आजम की हर बात मानी है, उन्हें मुकम्मल एतमाद दिया है, अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया और यही वक्त का तकाजा भी है। चेयरमैन PCB ने मजीद कहा है कि वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस को देखकर मुस्तकबिल में मुश्किल और बड़े फैसले करेंगे, जबकि बगैर परफॉर्मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक नहीं चलेगा। एक सवाल के जवाब पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग मुल्क में होगी या बाहर, सूरतहाल के मुताबिक फैसला करेंगे। खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग के साथ 2 लीग की इजाजत होगी। खिलाड़ियों को NOC देने का फैसला इंजमाम उलग नहीं चेयरमैन करेगा। बिना परफॉर्मेंस इंजमाम उलग का बेटा कायद अजम स्क्वाड में कैसे आया, ये चीफ सेलेक्टर से पूछूंगा। नाजरन, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।